यंत्रों का यूज करते हुए उसको आपको काबू पाने की पूरी कोशिश की गई, आपको छोटे से एरिया में लोकेट कर दिया गया। उसके बाद तुरंत ही पुलिस सूचित करने पर अग्निशमन विभाग की ओर से त्वरित कार्रवाई करते हुए आप पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। और ये वर्कशॉप है, शोरूम नहीं है, ये वहाँ पर गाड़ियों का वर्कशॉप है पर्वतपुरा पे, और यहाँ पर सामान स्पेयर पार्ट वगैरह रखा हुआ था, तो अभी अग्निशमन विभाग देख रहे हैं किस कारणों से हुआ है। अभी अंदर सामान 70-80 लाख रुपए का सामान अंदर पड़ा हुआ था, बट अब वो तो अंदर जाने पर कार्रवाई करने पर ही पता चलेगा क्या नुकसान हुआ। गाड़ियां अग्निशमन की 3 गाड़ियां आई थी, बट सिर्फ सामान में ही आग लगा था, बाकी और कोई नुकसान नहीं हुआ। गाड़ियों को अंदर वर्कशॉप में कोई नुकसान नहीं, नहीं जनहानि नहीं, किसी को ना चोट लगी ना कुछ, क्योंकि अग्निशमन यंत्र सारे लगे हुए थे, उनके तुरंत उपयोग के कारण आग पर तुरंत ही काबू पा लिया। मोहित रेलर जी सर, कौन सी कंपनी थी ये? मारुति स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, खालसा का जो पेट्रोल पंप है आदर्शगढ़ में, वहाँ पर जो हमें इत्तला मिली थी 3-3:15 करीब, तो हमने अपनी गाड़ी डिप्लॉय करी यहाँ और एक साथ 2-3 गाड़ी भेजी हमने, काफ़ी उनका स्पेयर पार्ट जो है इसमें जमा थे और उसको हमने कंट्रोल कर लिया। अभी आज 3 घंटे में हमने और गाड़ी जो थोड़ी तो और मंगा ली। कितनी गाड़ी लगी है अभी? अभी हमारे पास 3 गाड़ियाँ लगी। अच्छा, एक फॉर्म की गाड़ी भी लगी है क्योंकि स्पेयर पार्ट में वो काफ़ी वो फॉर्म वगैरह था इनके पास, सीटें थी स्पेयर पार्ट की, तो ग्रीस वगैरह लगी होती है, आग काफ़ी फैल गई थी, तुरंत कंट्रोल कर लिया। हाँ कंट्रोल कर लिया सर। कितनी टीमें लगी है आपके? मेरे पास में 10-11 आदमी लगे, मैं खुद भी मौके पर मौजूद हूँ। अभी खान सी एम Yeah.